तन्नी तान तन्नी तून तन्नी डेवरी तन्नी ऊन तेरी भी सुनला दाजू पेली उत्तराखंडे सुन उत्तराखंडे सुन रे दाजू उत्तराखंडे सुन 16 सालो वेगे राज सात राजोंन पेरियाली ताज 16 सालो वेगे राज सात राजोंन पेरियाली ताज कातिल घुमणा आजाद राजों थे शर्म न लाज हर साल उनन मावा टंगणो अजबिन्यो निसाब मंगणो शहीदू को खून तन लेतान तन नितून तन तन्वरी तन्य ऊन छोट राज का बड़ा सवाल हड़तालियों की निभुज मसाल बीमार लाचार अस्पताल स्कूलों को चक्र चाल राजधानी बल टंगी राली आधा गैर सैन जाली आधा देरा दून तन लेतान तन तनी तून तन्य तन तन्य ऊन कख भेजी छा कख पहुँची नी भेजी छा कख पहुंची नहीं थोरी थोरडा बागी भेगी थोरी थोड़ा बागी वेगी कख भेजी छा कख पहुँची नी, नी। कांग्रेस बल नौकी रह गे भाजपा कांग्रेस हुए हम तो वे ही दल का भूलू जग चुनो को टिकट मिलू फैदया में हूं तन लेतान तन्य तून तन्य ढेबरी तन्नी ऊन दारू खनन माफियों की बारामसी बगवाल यख अपसर नेतों की दाजू पट अंगवाल अंग्वाल यख भ्रष्टाचारे बासनी है लोकायुक्त रासनी है डोर कैकी हून तन लेतान तन तून तन्य ढेबरी तन्नी ऊन जल जंगल जमीन बिके हिमालय की पीड़न दिखे नेता सौदाबाजी व्यस्त जनता डैनिस पे की मस्त पाड़ू बट पलायन हुणु बांज कूड़ी रगिन रूणु गौ का गौ गों सून तन लेतान तन तून तन्य ढेबरी तन् ऊन उम्र भर पलायन के बारे में कहते रहे। हाँ। उम्र भर पलायन का दर्द गाते रहे आज भी गाता हूँ लोगों हाँ। को नजर मिलती थी आपको हाँ। आप पहाड़ में रहते हैं हाँ। लेकिन अब खुद ही पलायन देहरादून को हो गए भाई क्या अपने बच्चों के पास जाना पलायन है ये मुझे बताइए अगर अपने बच मैं साठ साल पौड़ी में रहा मैंने पौड़ी में नौकरी की उसके बाद मैं उत्तरकाशी चला गया क्या उसे प्लाइन कहेंगे चार साल में उत्तरकाशी रहा चार साल में टिहरी रहा बिजनौर रहा क्या ये प्लाइन कहा जाता है प्लाइन की परिभाषा कौन बना रहा क्या क्या होती है पलायन की परिभाषा आज भी मैं अपना घर जाता हूँ मेरा एड्रेस मेरे गांव का है मेरा वोट देने में कल जा रहा हूँ आज आज ही जा रहा हूँ वोट देने मेरा वोट पौड़ी में है मेरा मकान पौड़ी में है मेरा घर पौड़ी में है पुश्तैनी मकान मेरे खेत पौड़ी में है है ना और बाकी तो आदमी मकान तो कहीं भी बना सकता है मकान बनाने में घर तो एक ही होगा ना मेरा आज भी मेरा बैंक पौड़ी में है मेरा पोस्ट ऑफिस पौड़ी में बाकी आरोप लगाने वाले जितने आरोप लगाते हैं लगाते जाएं मैं मैं जैसा कह रहा हूँ मैं नेता तो हूँ नहीं भाई जो उनके आरोपों से घबरा जाऊँ है ना जो उन्हें लगाने हैं लगाते रहें जिन्हें तकलीफ है मेरे यहाँ आने से अपने बच्चों के पास आने से वो उस तकलीफ का कोई इलाज अच्छा नहीं कीजिए एक बात सच सच दिल से बताइएगा हाँ। राजनीति में कब आ रहे हैं कभी नहीं ये मैं ये मैं ये शायद पचासों बार कह चुका हूँ बयान बदलना पड़े कब आ रहे हैं मुझे रिटायर हुए कितने साल हो गए हैं पाँच में रिटायर सोलह साल ग्यारह साल हो गए हैं तो ग्यारह साल में तो कोई बयान मैंने बदला नहीं है ना और अब आगे राजनीति की लायक अब उम्र भी नहीं रही उम्र तो उत्साह आप है ना, जो है ना? आप में अब वो उम्र भी, भी नहीं रही और राजनीति के व्यक्ति में हूँ भी नहीं राजनीति व्यक्ति होता तो मैं रिटायरमेंट के बाद तुरंत जैसे पार्टियों ने मुझे ऑफर किए थे सभी राजनीतिक दलों ने मुझे ऑफर किए थे मैं तब चला जाता किस पार्टी समय सभी पार्टियों ने किए किस पार्टी ने नहीं किए सब पार्टियों ने मुझे ऑफर दिए कि आप इसमें आ जाइए आ जाइए मैंने हाथ जोड़ दें मैंने कहा मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ ही नहीं है ना और यहाँ तक कि आप वालों ने भी मुझे दिल्ली में मुझे ऑफर दिया कि आप उत्तराखंड उस समय वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के मनसा से थे उनका मन था कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे उसके बाद में उन्होंने विद्रॉ कर दिया उसको उन्होंने भी कहा कि आप उत्तराखंड में हमारे लिए वो करिए तो मैंने उन्हें भी हाथ जोड़ दिया मायावती की टीम के लोग आए बीजेपी में हमारे कुमाऊँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं है, कोश्यारी जी उन्होंने मसूरी में मुझे कहा कि नेगी ज्वाइन करो मैंने उनको भी हाथ जोड़ दिया मैंने कहा मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ भाई मुझे राजनीति से अपेक्षा ना करें कि मैं राजनीति में रहूँगा मेरे मुझे मेरे पास वो योग्यता है भी नहीं जो वर्तमान राजनीतिकों के पास योग्यता है वो योग्यता है नहीं चुनाव जीतने की इसलिए मैंने सबको हाथ जोड़ दिया नमस्कार कर दिया और कल कल चुनाव है हाँ है ना तो आने वाली जो सरकार होगी 11 मार्च के बाद परिणाम के बाद जो नई सरकार आएगी चाहे कोई सी भी सरकार आए तो क्या उम्मीद करते हैं आप उस सरकार से क्योंकि अब तक की सरकार ने तो इस भाई मैं प्रदेश को निराशा दी है नहीं मैं ये कहता हूँ देखिए सरकार आती जाती रहती है लेकिन कुछ काम होने चाहिए और आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि दूध के धुले कोई नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को जो भी दलों की सरकारें रही हैं दूध के धुले कोई नहीं है सब पे आरोप है ना तो मैं हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं हम यही अपेक्षा करते हैं कि भाई सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए और मैं ये भी निसंकोच कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि ये अंतिम समय में हरीश रावत ने कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं जैसे उन्होंने भाषा की एकेडमी खोली है उसका हम स्वागत करते हैं और उन्होंने जो है गढ़वाली कुमावनी भाषा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के भी प्रयास किए हैं आदेश किए हैं तो इस तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे जो पर्व हैं लोक पर्व हैं उनको राज्य स्तर पर मनाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है अब उन्होंने जिस मनसा से भी किया हो लेकिन हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास हुआ है सांस्कृतिक उसका और अगर अगली सरकार इनको और आगे बढ़ाती है तो अगली सरकार का भी स्वागत करेंगे एक एक छोटी सी अपील उत्तराखंड की जनता के लिए कर दीजिए कल चुनाव में देने से पहले भाई बहनों मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप नई सरकार को चुनते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो लोग ईमानदार होने चाहिए संघर्षशील होने चाहिए उनका इतिहास भी आप अपनी नज़रों में रखें कि वो किस किस्म के व्यक्ति हैं आपका वोट लेके कहीं आपको निराश ना करें उन लोगों को वोट दीजिए जो लोग आपके बीच में हैं आपके सुख दुख में हैं आपके आ, आ, आपके मुद्दों पर संघर्ष कर सकते हैं और वोट जरूर दीजिए लेकिन सोच समझ कर दीजिए नमस्कार अभी अभी क्योंकि तो हमारे साथ नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और क्योंकि वो तो हमारे साथ में हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ गाए ना अभी आ, आप आपकी एक नई कविता बड़ी वायरल हुई है आपने लिखी है हालांकि गाई तो नहीं है थोड़ा सा थोड़ा सा मैं इसमें छपा भी है मैं इसमें पढ़ देता हूँ इसको संगीत बद नहीं कर पाया हाल ही में लिखी हुई है मैंने चुनाव अच्छा, के टाइम पे अच्छा तन्नी तान तन्नी तून तन्नी ढेबरी तन्नी ऊन तेर भी सुनला दाजू पहली उत्तराखंडे सुन उत्तराखंडे सुन, सुन रे दाजू उत्तराखंडे सुन सोलह सालों हुए गे राज सात राजोन पैरियाली ताज सोलह सालो हुए गे राज सात राजोन पैरियाली ताज कातिल घुमणा आजाद राजो थे शरम लाज हर सालों नन माल टंगणु अजबिन्यों निसाब मंगणू शहीदू को खून तन ले तान तन तून तन तन् ऊन छोट राज का बड़ा सवाल हड़तालियों की निबुझी मसाल बीमार लाचार अस्पताल स्कूलों को चक्र चाल राजधानी बल टंगी राली आधा गैर सैन जाली आधा देरा दून तन लेछा कख पोछी नी कखेजी छा कख पहुँची नी थोरी थोड़ा बागी भेगी थोरी थोरडा बागी भेगी कख भेजीछा कख पहुँची नी, नी। कांग्रेस बल नौकी रह गे भाजपा कांग्रेस वे गे हम तो वे ही दल का भूलू जख चुनो को टिकट मिलू फैदया में हूँ तन लेन दारू खनन भूमाफियों की बारमासी बगवाल यख अफसर नेतों की दाजु पट बटी अंग्वाल यख भ्रष्टाचारे है लोकायुक्त है डोर की हूण

लोग गाया गायन के सम्राट उत्तराखंड में न, ना न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में नरेंद्र सिंह नेगी जी आ...